अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं कश्मीर यूट्यूब इन्फॉर्मर, जिसमें मिलती है आपको यूट्यूब कश्मीर कम्युनिटी की सारी अपडेट्स। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फैसल मकरो के मैक्स स्टार के बारे में। तो हुआ है कि फैसल मकरो ने रिसेंटली एक गाना रिलीज किया, लेकिन उसके बाद उनको बहुत ज्यादा हेट मिला। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो बताता हूं। तो बात यह है कि फैसल मकरो इंस्टाग्राम पर बहुत सारी रील्स अपलोड करते थे जो कि मोस्टली इस्लाम के बारे में होती थी या टॉक्सिक अल्फा मेल वाली रील्स। एंड इन चीजों की वजह से उनकी जो रील्स है बहुत वायरल चली गई एंड उनको बहुत सारे फॉलोअर्स मिले। तो फिर रिसेंटली उन्होंने एक और रील शेयर करी जहाँ पे उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की एक नई चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, एंड वहाँ पे उन्होंने अपना रीसेंट गाना डाला है। तो बहुत सारे लोगों को ये गाना पसंद नहीं आया, बोल रहे कि इसमें वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। द रिहान इकबाल ने भी इस बारे में बात करते हुए बोला कि तुम अल्फा मेल नहीं बल्कि एक मुनाफिक की तरह हो। कुछ टाइम तक तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम बहुत रिलीजियस हो, लेकिन अब तुमने असली चेहरा दिखाया, तो आप पूरा पढ़ सकते हो पास करके। लेकिन एक बंदा है जिसने फैसल मकरो को शाउट आउट दिया, वो है आमिर माजिद। तो उन्होंने एक रील शेयर करते हुए आमिर माजिद को शाउट आउट दिया एंड उनके गाने की लिंक भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे। तो इसी बात फैसल मकरो की, अगर आपने गाना सुना है मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यू बताना। तो चले करते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं SOS की। तो SOS ने रिसेंटली एक गाना रिलीज किया जो कि आपने देखा होगा, नहीं देखा तो अभी जाके चेकआउट कर लो। तो उसके बाद आतंकी म्यूजिक ने एक स्टोरी रीशेयर करी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, वी मेड अ मूवी एंड दिस विल ड्रॉप ऑन टाइम एट द रेट एडमिट वर्ल्ड, एंड गाने का नाम आजादी था। तो आपको पता होगा रीसेंट गाना जो है वो 9th को आने वाला था, लेकिन एडिट ने एडिटिंग में लेट किया, इसलिए वो गाना एक दिन लेट हुआ। तो उसी की रेफरेंस देते हुए कह रहे कि इस बार गाना टाइम पे आएगा। सेम स्टोरी तुफैल ने भी रीशेयर करी थी। एडिट वर्ल्ड ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा, यस। लेकिन जिस बंदे ने ये ओरिजिनली ये वीडियो जो है शेयर करा था, उसका नाम है वो टोक्स एंड वो एक डांसर है, या आप ऐसा बोल सकते हो डांस क्रू है। तो उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा था, SOS को भी पता है अंडररेटेड लोगों की क्या वैल्यू होती है, ड्रॉपिंग दिस फ्राइडे लाइक आई सेड इट इज अ मूवी। तो मुझे लगता है SOS के किसी गाने पे उन्होंने डांस किया है, उसके बारे में बात हो रही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना। चले करते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एजाज खान की। एजाज खान रिसेंटली कश्मीर आए हुए थे एंड उन्होंने एक पॉडकास्ट किया आरजे उमर नासिर के साथ, एंड आरजे उमर नासिर ने पूछा उनको उनकी रिसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। उन्होंने क्या बोला आप खुद देख। So, अभी ये एलविश यादव और रजत दलाल वाला सीन क्या था? कौन है ये एलविश यादव और रजत दलाल भोसड़ी वाले, है कौन ये लोग? आप तो उन्हीं को ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से कि आ जाओ मिलो। अरे बात मैं करो। तो उन्हें ढूंढ रहा था जो मुझसे लड़ने आ रहे थे, बाद में नीचे ही नहीं उतरे। तो अब मैं ऐसे लोगों को जानता ही नहीं हूँ जिनके पिछवाड़े में दमी नहीं है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, चूड़ी है लोग, इनके बारे में बात मत कर। दे आर स्टूपिड नॉनसेंस पीपल, दे वॉन्ट टू लिव फेक लाइफ, फेक कार्स, फेक फॉलोअर्स, फेक कमेंट्स, एवरीथिंग फेक। राइट, आई एम अ रियल, आई बिलीव इन रियलिटी। तो ये बात आरजे उमर नासिर की। चले करते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तारुक सीजन 4 की। तो उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि सीजन 4 आ रहा है एंड इसके लिए उनको स्पॉन्सर्स चाहिए। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पर डिटेल्स दी हुई है, आप उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड चले अब करते हैं नेक्स्ट अपडेट की बात। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दैमनर के बारे में। तो आपको पता होगा कि उनकी ऐप ने रिसेंटली 50K डाउनलोड्स कंप्लीट किए प्ले स्टोर पे, जिसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इस पर एक करते हुए उन्होंने एक स्टोरी चढ़ाई थी जहां पे उन्होंने दिखाया था कि लोग जो है एक्सटर्नल चीजें देखते हैं, उसके बैकग्राउंड मेहनत नहीं देखते। तो खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।